की जगह है और एक दिन संपूर्ण विश्व में ये हरि भक्ति को प्रचार और प्रसार करेंगे। तीन दिन तक रुके रहे, लेकिन जब उनकी माता भगवत देवी भक्तिविनोद ठाकुर जब श्री प्रभुपाद को लेकर के श्री जगन्नाथ की चरण में इन्होंने प्रणाम कराया, उसी समय जगन्नाथ की माला अपने आप टूट करके इनकी गले में गिरा था। ठीक आज भी उसी तरह श्री प्रभुपाद की कथा का समय में, कीर्तन का समय में श्री ताऊ भैया श्री बलदेव प्रभु का भी माला अपने आप टूट करके देखो नीचे गिरा। इसका मतलब है ये सूचित करना चाहते हैं कि ये प्रभुपाद कौन है, कहते श्री आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु जिनकी प्रकाश श्री प्रभुपाद हैं, हैं? इसलिए ये चीज को श्री बलदेव प्रभु बताना चाहते हैं, श्री प्रभुपाद मेरे निज जन हैं और सचमुच से मेरा ही स्वरूप रूप में प्रभुपाद आकर के जगत में हरि भक्ति को प्रचार किया। और आज हमारे ब्रह्मचार्य लोग भी बड़े सुंदर सुंदर प्रभुपाद की कथा सुना है, मानो श्री बलदेव प्रभु संतुष्ट है। आज जो प्रभुपाद की हरि कथा हुई सुन करके बलदेव प्रभु स्वयं गदगद हो गए और गदगद हो करके इनकी माला भी स्वयं यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ। बोले श्री ताऊ भैया की जय, बोले श्री गुरुदेव जी की जय, सुदर्शन चक्र की जय, सुभद्रा देवी की जय, सिद्धार्थ श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, प्रभुष्ट श्री भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय, प्रभुष्ट श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, जय शंकर प्रभुपाद की जय, जय गौर ब्रह्मानंद की जय, महाप्रसाद की जय। आप लोग काम करके आसन को उठा लो, सब लोग मिलकर उठाओ और लाइन करके अच्छे तरह से बैठे। हरे कृष्ण, इसको उठाओ सबके सब मिलकर, सब बैठने का चक्कर में सब।